एमएस सत्यु चूंकि कलाकार हैं और उनकी जो दृष्टि है वो हमेशा संवेदना से पहले आती है, इसलिए संवेदना के स्तर पर जब भी युद्ध का प्रश्न उठाया जाता है तो दुनिया के सारे कलाकार और लेखक यही प्रश्न करेंगे कि यह मनुष्यता के विरुद्ध है क्योंकि ये दुनिया के सर्वनाश की तरफ ले जाता है। लेकिन यह भी सच है कि आज तक कभी भी युद्ध को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप महाभारत को याद करें, रामायण को, या अवेस्ता हो या इलियड, तो उसमें आप क्या पाएंगे? उसमें ये पाएंगे कि युद्ध की एक अपरिहार्यता है और साथ ही साथ युद्ध की जो व्यर्थता भी है। महाभारत में ही जब पांडवों ने युद्ध किया तो अंत क्या हुआ? वे गहरे विषाद में अंत में हिमालय में गलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या युद्ध को टाला जा सकता है या टालते रहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि युद्ध के टालने का जो खर्चा है वो बहुत बड़ा है बजाय युद्ध कर लेने से। कारण ये है कि आप देखें कि हमारे यहाँ लगातार ये प्रश्न कश्मीर के बारे में उठाया जाता रहा है कि वहां जनतंत्र नहीं है, वहां जनतांत्रिक व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। लेकिन कश्मीर भारत के सीमा का राज्य है और जो सीमा वाले राज्य हैं वहां जनतंत्र की ऐसी आदर्शवादी मांग बहुत हद तक संभव नहीं हो पाती। आप खुद देख लें कि अमेरिका अपने 20-20 किलोमीटर की सीमाओं में कतई इस बात पर ध्यान नहीं देती है और इरादतन इस बात को स्थगित किए रखती है कि वहां जनतंत्र के मुद्दे को बहुत अधिक तूल न दिया जाए। वहां बॉर्डर स्टेट के हिसाब से जो देश के सुरक्षा के प्रश्न होते हैं उनको प्राथमिक मान के वहां नियम लागू किए जाते हैं। इसलिए जब भी मैं सेना को हटाए जाने की बात करते हैं तो मैं उससे बहुत अपने को सहमत नहीं पाता, कारण कि ये भी कहा जाता है बार बार कि भाई आप क्यों लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि मैं बीबीसी के एक प्रोड्यूसर से बात कर रहा था तो उनका कहना यही था कि आप क्यों लड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई आप बताइए मुझे कि फॉकलैंड वॉर जो है वो यू हैव बीन फाइटिंग फॉर 750 ईयर्स और 750 साल से आप फॉकलैंड के लिए युद्ध कर रहे हैं, जबकि फॉकलैंड जस्ट 2500 किलोमीटर अवे फ्रॉम ब्रिटेन और कश्मीर तो हमारी गर्दन में है, और अगर हम वहां युद्ध के बगैर जिस तरह की बातें की जाती है शांति से की जा सकती है उसकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म है, क्योंकि शांति वहां हो जाने का अर्थ पूरे भारत में शांति हो जाना है। तो जो ताकतें हैं वो लगातार एक बड़े जनतांत्रिक राष्ट्र को अस्थिर बनाने के लिए काम करती है, और हम पाकिस्तान से छाया युद्ध करते करते हमें कितने साल हो गए, आजादी के बाद से ही जारी है। तो हम छाया युद्ध जितने खर्च किए हैं हमने, क्या वो पूंजी युद्ध की पूंजी से ज्यादा नहीं है? तो मैं सोचता हूं कि मुझे बहैसियत एक लेखक के संवेदना के स्तर पर मैं देखता हूं कि दोनों ही तरह सीमाओं के उस पार भी और सीमाओं के इस पार भी मनुष्य की क्षति होगी, मनुष्यता की भी क्षति होगी। लेकिन जब राष्ट्र राज्य की बात आती है तो आपको कुछ ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे, वरना आपके हाथ से राष्ट्र निकल सकता है। क्योंकि अगर कश्मीर आपसे जाता है तो निश्चय ही आप मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट की पट्टी चली जाएगी, फिर हमारे यहाँ खालिस्तान की मांग करने वाले अलग हैं, फिर हमारे यहाँ श्रीलंका से सहानुभूति रखने वाला पूरा का पूरा तमिलनाडु का तबका है। तो कुल मिला के हमारे रूस के 16 टुकड़े हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान के तो निश्चित है जितने राज्य हैं उतने टुकड़े हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है तो एक ठीक सी कूटनीतिक दृष्टि का परिचय दिया है, लेकिन इसे लंबा नहीं खींचना चाहिए। मुझे खुद लगता है कि कश्मीर की ये जो अशांति वाली प्रॉब्लम थी, इस समस्या को इतनी देर और दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं थी, मुश्किल से एक हफ्ते का काम था। लेकिन ठीक है, क्योंकि हमारी एक जनतांत्रिक व्यवस्था में हर बार प्रतिपक्ष से आलोचना का भय सत्ता को इतना अधिक रहता है कि वो राष्ट्र के हित की बहुत सारी चीजों को स्थगित कर देता है, और कांग्रेस लगातार ये काम करती रही है। अच्छा है
नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी की छवि निश्चित एक कट्टर राष्ट्रवादी की लगातार बनाई जा रही है, लेकिन जब भी कोई राष्ट्र का प्रमुख होता है वो कट्टर नहीं रह पाता, और कम से कम भाषाई स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, भूगोल के स्तर पर भारत में कोई भी इतना कट्टर होकर सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। उसे बहुत अंततः जनतांत्रिक और उदार होना ही चाहिए, और ये सारी उदारता उसे एक अच्छे राष्ट्र राज्य की गारंटी और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। मूलतः मैं रंगकर्मी हूं, अभिनेता, दिग्दर्शक, कलाकार हूं। मेरा ऐसा मानना पड़ता है कि कलाकार अलग अलग भूमिकाएं करता है, अलग अलग नाटकों का मंचन करता है, अलग अलग नाटक अलग अलग जॉनर के, अलग अलग विषय के, अलग अलग भावनाओं के नाटकों को प्रस्तुत करता है। तो बहुत सारी अलग अलग भावनाएं स्टेज पर से व्यक्त करने का मौका हम जैसे कलाकारों को मिलता है। तो कलाकार किसी एक विचारधारा से अगर प्रभावित हो जाए सिर्फ, तो वो उसकी जकड़न है, वो उसे रोक लेती है कि दूसरी तरफ विचार करने की उसकी जो सोच की क्षमता है, मार्ग क्षमता है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती चली जाती है। ठीक है, कलाकार ये थोड़ा सा हटके होता है, काफी हटके होने के कारण से समाज में एक अलग से दिखाई भी देता है, लेकिन इस अलग से दिखाई देने का यह मतलब नहीं है कि वो सर्वोपरि हो जाए। देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, साहित्यकार हैं, अपने अपने फील्ड के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए लोग हैं, लेकिन कितने भी बड़े क्यों हो जाए ये देश से बड़े नहीं हो सकते। देश हमारा सर्वोपरि है, तो हमारी कोई सी भी क्रिया और प्रतिक्रिया अगर देश की किसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है या उसके विरुद्ध जाती है, तो थोड़ा सा मैं कलाकार होने के कारण से मुझे उचित महसूस नहीं होता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अगर समाज को नुकसान पहुंचता हो, देश को नुकसान पहुंचता हो, तो थोड़ा सा उचित महसूस नहीं होता। हमारे एक छोटी सी कहावत है कि हमारे व्यक्तिगत सुख और दुख जो है हमारी ड्योढ़ी के अंदर होते हैं, ड्योढ़ी के बाहर जब हम निकलते हैं तो हम समाज में शामिल हो जाते हैं, और हमारा समाज जो है ये देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो कुछ भी बातें चल रही है मुझे उचित नहीं लगती, नहीं होना चाहिए। जो देश के लिए हो रहा है वो उचित हो रहा है, बड़ा जरूरी है। हम किसी दूसरे देश के खिलाफ बात नहीं कर रहे, आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, और आतंकवाद के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हमें लड़ना ही है। सरकार का अपना फैसला है, वो अनुचित हो ही कैसे सकता है, क्योंकि जो स्थितियां हैं उसमें, अच्छा ये सारा सरकार का या सेना का जो काम है उस दृष्टि से देखा जाए तो जो उन्हें उचित लगा उन्होंने किया, और जो हालात हम देख पा रहे हैं इस वक्त है उसमें तो बिल्कुल सर्वथा उचित है, उसमें ऐसा कुछ अनुचित है नहीं। पिछले कुछ रिकॉर्ड्स भी हम देखे तो उसमें ये चीज़ें थी कि कई बार हमने कोशिश करी है कि इसको बातचीत से इस मसले को हल किया जाए, पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ों की ज़रूरत है, जो हमें उनको जवाबी एक देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें सही है कि ज़रूरी है हमें, और आगे अगर कुछ होता है तो हमें युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो कार्रवाई है उसको अनुचित मानती हूँ, क्योंकि झगड़ों से झगड़े बढ़ते जाएंगे, और पाकिस्तान को हम रेजिस्ट करें, उन्हें अटैक करते हैं तो, पर रेजिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उन पर जाकर उनके जैसा ही अटैक करें। वो आते हैं तो हमको रोकना चाहिए उनको, उन्हें पठानकोट में करा या बॉम्बे में करा या अलग अलग जगह करा, तो हम पहले से सतर्क रहे। इनको भी पहले सतर्क रहने के लिए कहा था, जो ऊना में हुआ उसके लिए 2 दिन पहले कहा गया था कि आप सतर्क रहो, हम क्यों नहीं सतर्क रहे, ये हमारी गलती।